नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करने की कसम खाने वाले सम्राट चौधरी आज उनके जूनियर बन गए। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी अब दोनों पार्टनर्स बन गए हैं। सत्ता में रहने वाले आरजेडी अब विपक्ष में चली गई है और विपक्ष में रहने वाली भाजपा अब सत्ता में। इन सबके बीच में सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई है। लिहाजा जब पत्रकारों ने सम्राट चौधरी से पूछा कि ये पगड़ी कब खोलेंगे, उनका कहना था कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाएंगे तभी ये जो मेरी पगड़ी है मैं उसे खोलूंगा। और इन सब बातों को पत्रकारों ने सम्राट चौधरी से सवाल किया कि ये पगड़ी आखिर कब खुलेगी, क्योंकि शपथ के बाद सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी अब तक नहीं खोली। तो इसपे पत्रकारों ने सवाल पूछा। शपथ के बाद सम्राट चौधरी पार्टी ऑफिस आए और पार्टी ऑफिस से निकलने के बाद सम्राट चौधरी ने कई अपने सरकार की एजेंडों को गिनाया और ये बताया कि उनकी जो सरकार है किन मुद्दों पे इस बार काम करेगी। उन्होंने बोला कि 10,000 रोजगार दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी बोला कि हमारे सरकार में विकास होगा। लेकिन आपको बता दें, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि अपनी पगड़ी तभी खोलूंगा जब मैं सत्ता से नीतीश कुमार को हटाऊंगा। नीतीश कुमार के समर्थन को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा, 2020 के जनमत को हमने सम्मान किया, 2024 लोकसभा और 25 विधानसभा चुनाव को हम बीजेपी जीतेंगे, भाजपा मेरे लिए दूसरी माँ है। उन्होंने कहा कि विरोधी दल के नेता के तौर पर मुरेठा बांधा था, पार्टी के सम्मान के लिए अगर मुझे कुछ भी करना हो, सर भी मुंडवाना हो, तो मैं उसे भी करूंगा। देखिए किस तरीके से सम्राट चौधरी जो है पार्टी के प्रति अपनी समर्थन, अपनी प्रेम निष्ठा भाव को जताते हुए ये भी बोल रहे हैं कि मैंने पार्टी के लिए ये मुरेठा बांधा था और पार्टी के लिए अगर मुझे कुछ भी करना हो, सिर भी मुंडवाना हो, तो मैं वो भी करूंगा। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरी माँ का जब निधन हुआ था तो मैंने ये मुरेठा बांधा था और उसी वक्त उन्हें विधान परिषद विपक्ष में नेता बनाया गया था। तब उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है, ये जो पार्टी है, वो मेरी दूसरी माँ है और इस दूसरी माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि मैं अभी अयोध्या जा रहा हूँ और अयोध्या में जाके अपनी ये पगड़ी को उतारूंगा और अपने सिर को, अपने बाल को मुंडवाऊंगा। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी है वो मेरी दूसरी माँ है। काफी समर्पण का भाव जताया है, दिखाया है अपनी पार्टी के प्रति और कहा है कि पार्टी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।